तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उस स्पेशल सीरीज को जिसके पहले एपिसोड के जो गेस्ट हैं उनका नाम है हिमांशु, जो कि नॉट ओनली एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और वोकलिस्ट हैं बल्कि एक एक्सेप्शनल कीबोर्ड प्लेयर हैं और वो इवन पार्ट है द येलो डायरी बैंड के। तो इस एपिसोड में वो एक ब्रेकडाउन देने वाले हैं बॉलीवुड के एक सुपरहिट सॉन्ग का जिसका नाम है केसरिया। और मुझे लगता है कि इस गाने को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है बिकॉज आप सभी लोगों ने इसको सुना होगा। इस वीडियो में उन्होंने गाने की स्टोरी से लेके अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है, अपनी अप्रोच शेयर की है, जिससे आई एम श्योर कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग बहुत सारी चीजें अपने घर लेके जाएंगे इस ब्रेकडाउन से। हैप्पी लर्निंग। Hi Himanshu, how are you? Hi, I'm very good. How are you? All fantastic. क्या चल रहा है आजकल? बस production, gigs, and enjoying life. Very nice. Yeah. क्या बात है? So अभी any upcoming projects, कुछ नए गाने? नए गाने तो है, both with the band Yellow Diary and with solo also. Nice. मेरा अभी एक 4-song EP release हो रहा है very soon, which I'm very excited for. और बाकी तो फिल्मों वगैरह में काम तो चल रहा है। हाँ। वो जब रिलीज होगा तो सब लोगों को दिखेंगे। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। एंड आपका काम तो सुना ही है सब लोगों ने और रियली एक्साइटेड टू हियर योर ईपी। थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर द रिलीज। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। सो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज थोड़ा केसरिया में डाइव करेंगे। वील जस्ट सी कि क्या प्रोडक्शन टेक्निक्स, तो नहीं कहूँगा मैं, फिलोसफीज। वेरी नाइस। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रैक एंड आई वुड लाइक टू शो पीपल के कुछ कुछ चीजें जो इंटेंशनली की हुई है। करेक्ट। व्हाई हैव दे बीन डन? राइट। एंड इट कुड हेल्प समवन मे बी व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग देयर ओन सॉन्ग्स टू हैव सम रिस्ट्रेंट के कम ट्रैक्स में इंपैक्ट कैसे लाए। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। आई एम सुपर एक्साइटेड। या सेम हियर, सेम हियर। ओके, सो हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टोटल अभी? वैसे ट्रैक्स तो लिखा हुआ है 68 लिखा हुआ है, बट जैसे दिख रहे काफी कुछ म्यूटेड ट्रैक्स है, ये वो है। ट्रू। बट वन थिंग इज दैट ट्रैक काउंट is misleading. हाँ, true. अगर जैसे आप अगर देखोगे backing vocals के tracks में, वैसे 6 track है, लेकिन सब all 6 of them are doing the same part. Right. It's just layering the same part. So more or less we can say maybe 8 to 10 elements. Probably. Yes. Yeah. Probably. कहीं कहीं जगह पे तो दो तीन चीज भी है। अरे वाह। You know. So how do you arrange your session वैसे? I have to color code it. ये मेरा मतलब OCD है जो भी है, but I have to have my session neat. अगर बहुत सारे muted regions है, बहुत cluttered है, तो मेरे ideas ही नहीं निकलते। Correct. You know, I feel like जब मुझे दिख रहा है ऐसे space दिख रहा है तो मुझे और ideas आते हैं basically. But I always usually have it like the drums, the rhythm is first. Right. Rhythm and bass is first. Correct. And then depending on what instrument is more prevalent, like guitars, keys, synths, pads, you know, then all the... Priority wise? It's not priority, it's just my system. Okay. So, wo jo bhi gana ho, shayad se, it'll always be rhythm on top, bass, and the vocals will always be at the bottom. Like lead vocal hamesha sabse niche wala. I think yahan pe similar hai hum log approach. Where do you put your SFX and pads? SFX is usually right under the drums. Okay. Yeah, and pads will always be under the synths. Okay, very nice. I keep them before the vocals. Towards the end. अगर मेरे गाने में बहुत pads हो ना, तो शायद से कहीं और ऊपर आ जाए. हाँ, correct. So it depends. Super excited. So let's see. Yes. क्या कमाल हुआ है इसके अंदर। Just a little more on like a basic idea before I got into the song, कि मुझे brief क्या मिला था। The brief was just कि वो एक happy romantic song है, जो प्रीतम सर ने कहा कि तू अपने स्टाइल में कर। Okay. He said तेरे हिसाब से तू अपने स्टाइल से कर, romantic है और happy है। So you got a brief, एक concept, and did you get any files also? Any reference? I got a vocal file. Okay, just a vocal file. Just a vocal file. Wow. Of Pritam sir singing actually. अच्छा, on the guitar. अरे क्या बात है। तो वो गिटार बजा रहे थे उसमें और वो गा रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए और एक रिफ करेंगे। It was sort of like a brief blended into the vocal track, but it was like a voice memo. वो फोन पे वॉइस मेमो टाइप का रिकॉर्डिंग था, तो फिर वो खींच के ग्रिड पे लाके आई प्रोड्यूस द ट्रैक। बट फॉर मी इट ऑल स्टार्टेड विद द गिटार रिफ बेसिकली। आई वॉन्टेड समथिंग जो एक सिंपल मेलोडी हो, यू नो, समथिंग वेरी सिंपल टू लिसन टू
And that, for me, I wanted it to be a thread throughout the song, essentially. Mm. So we had, the start was this. Right, it's the same riff. कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको. अब यहाँ पे आके रिफ रुक जाता है. करेक्ट. द आइडिया इज कि जो ये मेन रिफ है, इट्स टू ब्रिंग इट बैक व्हेन इट कम्स बैक इन द कोरस, इट फील्स फेमिलियर अगेन. True. जब वापस कोरस में इट कम्स बैक, यू फील कि हाँ, ये मतलब एक कंप्लीट सर्कल वाली कंप्लीट सर्कल फीलिंग आ जाती है. आल्सो आई सॉ वन थिंग इंट्रो में आपने जो गिटार्स के साथ किया, इट्स अ सिंपल हाई कट बट इट्स मूविंग स्लोली, ऑटोमेटेड द हाई कट. एब्सोल्युटली. द आइडिया इज कि वो शुरू से ही ऐसा, इट डजंट फील सडन, इट्स अ लिटिल बिट जेंटल. ट्रू. सो देयर इज जस्ट अ स्लाइट ऑटोमेशन, यू नो. जब उनके वोकल्स आ रहे हैं. Very simple again, just a piano and a EP come, vocal ke saath. Koi kaise tujhse dil na lagaye koi. Very simple, just to add a little more depth. To aapka main, jab aap actually sun rahe ho gaana, aap vocal aur guitar riff hi sunoge actually. But you will feel ki kuch, it's become a little more impactful. That's because of that, just that chord. Mujhko itna bataye koi kaise tujhse dil na lagaye koi rabbane. अब यहाँ पे एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, विच इज इफ यू हियर बिफोर द सेक्शन चेंजेस, देयर इज अ रिवर्स पियानो. या दिस इज अ रिवर्स ईपी दैट हैज बीन रिवर्स्ड टू जस्ट गिव अ बिट ऑफ अ फीलिंग ऑफ समथिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग. वेरी नाइस. बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे, विच इज दिस. ओह, द रीजन इट्स इंटरेस्टिंग इज बिकॉज आप ऐसे, यू विल नॉट रियली हियर इट व्हेन यू आर लिसनिंग टू द सॉन्ग, इतना वो ऐसे बाहर नहीं आता. बट जो नेक्स्ट सेक्शन है वहां पे, ये एक पियानो साउंड आ रहा है, राइट? एंड बेसिकली दिस साउंड दैट कम्स हियर सटली हेल्प्स योर ब्रेन टाई टुगेदर. बिल्कुल करेक्ट. प्रीटी नाइस. सो दैट इज लाइक अनदर से प्रोडक्शन ट्रिक, यू कैन कॉल इट. समटाइम्स व्हेन यू वांट टू ट्रांजिशन टू समथिंग वेरी डिफरेंट, लाइक अ डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर, इट्स गुड टू बोरो अ साउंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शन. तो जब आप अगले सेक्शन से हल्का एक साउंड बोरो करके पहले लेके आते हो, तो ऐसे वो नेक्स्ट सेक्शन में इतना फॉरेन नहीं लगता. सो इट फील्स मोर नेचुरल. नाउ इफ यू काइंड ऑफ की इन टू दैट पियानो बिट, वेरी नाइस. एंड हियर आई वांटेड टू गिव लाइक अ बिल्ड अप फील कि कुछ आ रहा है, कुछ यू नो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट द कोरस, यू नो, द कोरस यू वांटेड टू लाइक ओपन अप. और आपका कोरस खुलेगा नहीं जब तक उसके पहले वाले सेक्शन उसको अलाउ ना करे. सो दैट्स द वन थिंग इन प्रोडक्शन, इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रास्ट. योर सेक्शन विल ओनली साउंड एज गुड एज अ सेक्शन बिफोर इट अलाउज इट टू साउंड. आई सी इट लाइक रोलर कोस्टर बेसिकली. वो टेंशन क्रिएट करना, दैट इज व्हाई आई कैन सी ऑल्सो कि किस तरह से आपने एकदम सडन ब्रेक दिया. दैट इज व्हाई ये बिल्डअप अब इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. राइट. सो यू आर प्रोग्रेसिंग, देन ड्रॉपिंग इट अ लिटिल, देन. Absolutely, absolutely. So I'm excited to hear meko, क्योंकि अभी याद भी नहीं है कोरस से पहले क्या आपने ब्रेक दिया, because that is the reason, one of the reasons कि क्यों कोरस इतना grand sound करता है. Right, right. Let's see. So yeah, so in this section, I mean, again, very simple stuff. You just have a bass line going.
you know, guitar and bass complementing, and that riff we spoke about. This is to create an air of ambience ke khul raha hai. So this was basically the pre-chorus section. So it's just everything is building. We are going somewhere. You as a listener feel ke you are expecting something now. Correct. To aane wala. And the most important thing and the reason why you also feel the chorus very hard is because there is a complete suck out of the music when the word Kesariya comes. Right. So if I just play it from here again. Something similar, but yeah, with a contrast here. Correct. So the idea is that we at that point, your ears are really focusing on the word Kesariya. True. You know, because agar everything was continuing, तो वो उसके में मिक्स होके इट वुड हैव कम आउट. आई थिंक ये चीज बहुत आइकॉनिक भी है इस गाने की. एवरीबॉडी रिमेंबर्स किस तरह से केसरिया तेरा आता है एंड देन द बीट ड्रॉप्स. राइट. इट साउंड्स सो लवली. राइट. थैंक यू. सो ऐसा था पहले कुछ और आइडियाज आए या आपने बनाया या फर्स्ट अटेम्प्ट में यू क्रैक दिस थिंग कि नहीं ऐसे कर. इट दिस पार्ट केम वेरी नेचुरली टू मी एक्चुअली बिकॉज़ इट्स लाइक आई सेड इट्स आल्सो लाइक माय प्रोडक्शन फिलॉसफी टू सम एक्सटेंट व्हिच इज composition is the heart of the song. True. It's the soul of the song. Correct. It's the north star of the song. तो बहुत बार ऐसे होता है कि यार ये बहुत कूल लग रहा है, ये कॉर्ड बहुत कूल लग रहा है, ये फिल यहाँ पे बहुत कूल लग रहा है, बट अगर वो वोकल के साथ लड़ रहा है ना या इट्स क्लैशिंग विद द कॉम्पोजिशन, आई विल नेवर टेक दैट पार्ट. इट हैज टू सर्विस द सॉन्ग्स इमोशन मोर देन साउंडिंग कूल और ट्रेंडी और समथिंग लाइक दैट. दैट्स हाउ आई फंक्शन. एब्सोल्युटली. सो फॉर मी द बेस्ट वे टू एम्फसाइज द वर्ड केसरिया हियर वाज टू जस्ट रिमूव द म्यूजिक अराउंड इट. यू नो दैट साइलेंस इज लाइक यू आर ओनली लिसनिंग टू केसरिया ओवर देयर. ऐसा फिल विल होना चाहिए क्या, बट देन आई जस्ट फेल्ट कि एक इज इनफ, यू नो, वन इज इनफ. सो योर रिवर्सेस एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ म्यूट आउट. दीज आर द लास्ट रिवर्सेस दैट आर देयर. So on the Sariya Tera, it's empty to give you that impact. So what are the elements are live in this song? To be honest, most of it is produced. Oh, wow. I would say like 95% of it is produced. Okay. Then the guitars in this session, they are like all the produced guitars, but we did layer the guitars with live guitars. Okay. Which Harshvardhan Gadvi played, who plays guitars for Yellow Diary. Right. Also. Yeah. So he, we recorded at Pritam Sir's studio and he layered all the parts with live guitars because sir asked me, he's like, should we do it live or like it's sounding cool? And I just said ke apan wo live karenge to ek halka sa ek depth thoda aur elevate ho jayega gaana, and like a depth comes into it. So correct. He was like, yeah, cool, let's do that. So wow. Then we tracked the guitars live. I don't have those files, wo wahin se mix mein chale gaye honge shayad, but that and obviously I've done some ooze in the backing vocals that I recorded at home only. Ha, ye sunte na. And and Dhruva da ne veena dala hua tha isme. Oh, okay. Interlude mein. Ha. Simple. Oh, nice. It's the same thing, it just loops. It's the only time the chord like kind of changes is for that C7. I think. This is where it changes on the last chord. To punctuate, so it feels like cycle खत्म हो गया. Correct. मतलब अगर अगर ये भी अपन ने डाल दिया होता, it would have still probably worked. True. लेकिन फिर वो ना दो बार में it would start feeling boring. हाँ, correct. तो ये क्या हो रहा है? ये एक reset हो गया. ये जब आ गया, it feels like एक बार reset हो गया, cycle reset हो गया. Now we can, I don't mind hearing it one more time. Very nice. It's just sometimes you just need a small note change here or there to make it feel like अच्छा चलो एक और cycle सुन सकते हैं इसका. सही बात है. That is one of the reasons why many people you know use modulations also melody में कि थोड़ा बहुत pitch bend हो रहा है, थोड़ा सा detuned effect आ रहा है. Correct. But otherwise, like I said, the reason why the chorus feels very wholesome
is because that riff we had in the start, the same riff is coming back here. अगर मैं सोलो करूं गिटार, so same riff, right? That we had, lovely. But it's layered with a very driven, distorted version also. Mm-hmm. So it's just a distorted layer. Correct. And the idea is not for you to hear distortion. It's to hear the same riff, but now it's sharing space with a lot more elements. Right. अब ड्रम्स भी आ गए हैं, बेस भी आ गया है, तो वो थोड़ा उसको पार्ट को उठाने के लिए है. Correct. तो जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि ट्रैक्स कितने हैं, वो essentially पार्ट तो वही है, लेकिन इट्स जस्ट एडिंग अनदर लेयर टू इट. तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में सुनोगे आप, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी ते. वेरी नाइस, जस्ट फिटिंग इन दैट यू नो परफेक्ट स्पेस, एक छोटा सा स्पेस बट यू कैन हियर इट क्लियरली. करेक्ट. तो अभी वो एरिया में हम लोग कुछ और भी कर सकते थे. यही सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्शन गिटार में या तो एक पूरा स्ट्रम हो सकता था, या कोई दूसरा और ब्यूटीफुल पार्ट भी हो सकता था. बट आइडिया ये है कि वोकल हीरो हो और ये जो गिटार रिफ हो वो हीरो हो, तो उसी को री इन्फोर्स करने के लिए वी यूज द साउंड फॉर दैट, विच इज अ गुड वे टू रिमेंबर थिंग्स दैट यू डोंट ऑलवेज हैव टू ऐड न्यू पार्ट्स इन डिफरेंट साउंड्स. इट्स समटाइम्स गुड टू लेयर योर पार्ट्स, लेयर डिफरेंट साउंड्स ऑन द सेम पार्ट to emphasize. और जितना layer करोगे या जितना उसको खाली रखोगे, that's how you'll get the balance between your parts also. तो बाकी कुछ तो it's pretty basic. जैसे there is a palm muted guitar like thing. Or some bounce. I could hear it with the distortion. Right. It's just for some bounce. There's pretty a piano good. Riff also. लेकिन अब ये सेटअप में क्या हो रहा है कि आपको एक मीट एंड बोन्स तो मिल गया उस गाने का. यू आर फाइन, द रिफ हैज कम, बेस लाइन आ गया, ग्रूव आ गया, बट एक ओपननेस, बिगनेस नहीं आ रहा है. True. वो मिसिंग लग रहा है. एंड फॉर मी दैट कम्स अ लॉट फ्रॉम द सिंथ्स, विच इज लाइक अ वेरी ओपन ब्राइट साउंड, विच इज दिस साउंड. This gives a very open dimension. Absolutely. And it's also sidechained to the kick so that it pumps the drums. ताकि वो ओपननेस है लेकिन हल्का ग्रूव को भी रिस्पेक्ट कर रहा है वो चीज़. ऐसा नहीं कि वो आ गया मिक्स में अगर बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि ग्रूव फैल जाएगा. True. So it's basically to just respect the drums, there's to understand the groove that's happening and everything kind of follows that. तो आपको एक overall sensation आता है groove का. Absolutely. एक pulse की तरह act कर रहा है. Correct. And like we said, the last thing, main thing, there's some bells and all also, but like the vocals also add that openness essentially. So that's basically what's happening in the chorus. Pretty good stuff. Yeah. Can you check out the bells also? How yes, they sound? Yes, of course, we can. Drums ke saath sunte hain. Toh iska context kya hai exactly? If you notice, the bells are adding a very sonic color
But also a very note driven color, like very correct. Melodic color. But like they are starry and you know that yeah, love story thing exactly. Is being portrayed. It's to make it more delicate. Correct. The thing is now the delicateness doesn't always come from like your volumes. True. It also comes from just like the sound that you're going for. 100%. जैसे अगर आप हम सिर्फ bass और ये और वो सुने the guitar and that. तो ये कुछ खास रोमांटिक नहीं लग रहा है इन माय ओपिनियन यू नो इट्स मोर लाइक ग्रूवी एंड इट्स मोर लाइक द साउंड्स आर लेड बैक द डम साउंड्स बट या स्टिल यू कैन नॉट गेस कि हां एक लव सॉन्ग इज साइड जा रहा है पर्टिकुलरली बट एज सून एज यू ऐड लाइक द बेल्स बैकिंग वोकल्स वाओ द सिंथ नाउ यू कैन इमेजिन द एंटायर पिक्चर राइट So the idea is like, jaise, like there's a painter and he has painted the whole thing and then he will at the end add accents to further True. His thing. Wo halka shadows karenge. True. That's the idea. Ki aapne matlab aapko usko halka sa aur romantic karna hai. So you choose those sounds, correct, choose correct. Those notes. Hmm. You know. So Deke, that's why bells wali sound meko aise lagi because aapne painter ka example diya hai. So this one example that I give to my students ki jaise ek painter hota hai, no matter how many colors wo use kare. 100, 200, 400 वो ये नहीं चाहता है कि जो व्यूअर है जो उसकी पेंटिंग देख रहा है उसको एक एक कलर दिखाई दे एक एक कलर पता लगे Correct. अगर वो एज वन परसीव कर रहा है उस पोर्ट्रेट को तो दैट मीन्स उसका मिशन यू नो ही हैज सक्सीडेड विद हिज गोल तो वही चीज है बेल्स के साथ मेरे को लग रहा है इतना ज्यादा दे आर नॉट नोटिसेबल करेक्ट बट देन वो जो सोल एड कर रही है जो फील आ रही है एंड सेम गोज विद द सेंस यू नो कि पैड्स आर गोइंग ऑन बट उसको म्यूट करते ही जो डिफरेंस क्रिएट हुआ right. तो उससे पता चल गया कि हाँ यू नो द direction is changing totally correct correct for me production is all about context correct koi bhi ek cheez solo mein itna kuch khas shayad lage nahi but wo jab saath mein baj raha hai 100% it needs to make sense you know kabhi kabhi aisa lagta hai ki piano bahut thin hai but wo in context it should sound fine agar aapne saath mein ep dala hai jo thoda sa mota ep hai it's fitting that well then that's clean you know it's not necessary ki har ek element ekdam thick hona chahiye har ek element ekdam upfront hona chahiye some things the contextually they work because That's how you get depth. Correct. एक 3D effect आता है, you know, कि कुछ चीज loud है, कुछ चीज soft है, वो हर एक चीज अपने जगह पे काम कर रहा है. 100%. Together makes it one piece of, like one emotional piece of music basically. But yeah, that's pretty much the crux of the song, at least the whole chorus. Correct. I think the only other thing which maybe we can touch upon and just kind of quickly look at is that now this riff and this color has gone on for quite a long time in the song. Chorus आ गया, interlude आ गया. तो अब जब अंतरा आने वाला है आई फील लाइक इट्स टाइम टू गिव द लिसनर आल्सो बिट ऑफ अ ब्रेक ओके एंड मोर देन लिसनर गिव माय सेल्फ आल्सो ब्रेक मे बी आई गेट आफ्टर अ फ्यू लूप्स आई स्टार्ट गेटिंग बोर्ड ऑफ थिंग्स यू नो सो आई फील लाइक कुछ एक हल्का सा अलग कलर आए For a second. So now what's happening here is that वो riff गायब है अब आपको जो initial riff था लेकिन sounds गायब नहीं है True. So you are still staying in the same family or same palette Correct. Of sounds but you're playing different parts. Absolutely. You know so what's happening is ऐसा भी नहीं लग रहा है कि भाई नया गाना शुरू होगा but it's feeling like कि चलो एक break मिल गया कानों को तो अब जब वो वापस riff आएगा तो बहुत rewarding लगेगा 100% So that's the idea basically to just like if you hear this guitar sound which is coming in that middle section. Very similar. A little bit more punchier. A bit grungier. Yeah. Aggression. Correct. Because here also I'm starting to build up a little bit. You know, if you hear the drums and all. अगर मैं वो म्यूट कर दूँ. Starting a little punch. Just little more. ये बिल्कुल पहले जैसा है सिर्फ यहाँ पे हल्का आपका स्नेर आ गया पहले वाले में स्नेर वगैरह नहीं था ऐसा कर था It's fading in. True.
हाई कट भी है बट सेकेंड टाइम वो खुल के आता है बेसिकली. And the synth you had, which was fading in the start, वो once ही शुरू हो रहा है यहाँ पे. It's not fading anymore. मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी approach. Like it's so minimal and बहुत simple production है. Yet you know ये छोटी-छोटी चीजें जो आपने की हैं, they make such a big difference. I mean हम लोग इतना जब technicalities के अंदर जाते हैं, so I am realizing क्योंकि मैंने students को भी देखा है and मैंने भी experience किया है starting में that जितना हम technically चीजों को सीखते हैं, उतना ज़्यादा हम complicate करते हुए जाते हैं चीजें. But end में ना वो U-turn मार के हम लोग उसी approach पे आते हैं कि keep it simple and keep it minimal. Correct. Rather than adding more stuff, subtract more stuff. Rather than downloading more plugins, remove the old ones जो use नहीं हो रहे तो वंडरफुल. एंड आई वुड लव टू हियर दैट पियानो पीस जो आपने इससे पहले डाला था इस सेक्शन में, ये वाला जहाँ पे एकदम से यू केप पैलेट द सेम बट यू प्लेड सम डिफरेंट नोट्स. क्या बात है. एंड देयर वाज वन मोर शिमरी सा एक साउंड था. इट वाज अ टेक्सचर आई बिलीव मेबी द पैड आई गेस. So this is a pad from the Nord only. So basically they're just like soft vocals. It has that modulation bends. Also. Like it feels slightly off, yet not exactly it's off. It's like a slow attack time. Wow. So it it kicks in a little slow. And so gives, you know, adds that width adds, also. Yeah, exactly. So if you because you play it as a pad, then it'll be it's too like strong. Correct. If it comes in like strong, then it sort of feels less like a floating ambience. Correct. And it feels more like a more very driven thing. But I wanted it to stay much in the back, like an ambience. Absolutely. क्योंकि वो driving के लिए हमने वो guitar डाला हुआ है. You know, we put the bass. वो सब कर तो रहे हैं. Band is more like wonderful. And the pretty same, nice. Yeah, and the same concept of muting before the next section comes, that adds a lot of impact. Hey, wonderful and such an amazing breakdown. And a lot to learn from it. And मेरे को तो लगता है कि unlearning सबसे बड़ा lesson इसका ये है कि unlearn करो चीजों को. Yeah. And don't overcomplicate things because you said it was your first project with Pritam Da. So usually क्या होता है जब भी कोई approach करता है, especially if I talk about you know the younger minds, तो ऐसे एकदम project आता है तो they're like you know I'll give my best, I'll put all I have in one song and you know I've seen you play keys in front of me and मतलब मेरे को ये दिख रहा है कि कितना simple आपने इस गाने को रखा है just to justify its story. You you know didn't add that complication या फिर दिखाता हूँ कि you know मैं keyboard player हूँ और वो वाली चीज़. So hats off. Thank you. Thank you.